हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक्सीलेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला में एनुअल फंक्शन में शामिल हुए। सीएम सुक्खू ने इसी स्कूल से पहली से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं। सीएम ने हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूल भी शुरू करने की बात कही ताकि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का झुकाव हो सके। क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुने विस्तार से। मैं पहली से दसवीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा। अब तो स्कूल का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है। तब तो पुराने ब्रिटिशर्स टाइम का स्कूल का होता था और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो बच्चों में एक भावना है, होती है कि हमारे स्कूल से कोई अगर बन गया, कोई किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँच गया, मंत्री की कुर्सी पर पहुँच गया, विधायक बन गया, किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में जाए, कुछ बन जाए, तो उसको अपने स्कूल की खुशी होती है। जब मेरे पास टीचर आए तो मैंने कहा कि मैं इन बच्चों से भी मिलूंगा ताकि बच्चों को ये पता लगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और अगर जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप जीवन में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक विडंबना ये होगी कि हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ना, इंग्लिश बोलने वाला स्कूल में पढ़ना। हमने इस नीति को समझा और हमने अपने गारंटी में जो हमने राजीव गांधी डे गारंटी योजना शुरू की, डे गारंटी बोर्डिंग नहीं, राजीव गांधी ने डे बोर्डिंग स्कूल जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक गारंटी है, ये उसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। वो गवर्नमेंट स्कूल होंगे लेकिन उनका विश्वास इतना होगा कि आने वाले समय में भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर सके।